गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं 10, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं अभी उठी हूँ और मैं और भी सो सकती थी बिकॉज आज संडे है। यूजुअली मेरे जो बाकी दिन होते हैं लाइक 6 डेज इन अ वीक, वो काफ़ी हेक्टिक होते हैं। आई गेट अप वेरी अर्ली, आई गेट अप एट 5 AM, फिर वही आपका रूटीन, योर जिम वर्क, दिस दैट। सो संडे इज द डे व्हेन आई एक्चुअली गेट टू स्पेंड विद माय फैमिली, माई फ्रेंड्स और वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस डे नाउ बिकॉज आई हैव प्लान्स विद माई फ्रेंड्स। सो लेट्स गो। पहले तो मैं जाके चाय पी रूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तलब हो रही है चाय पीने की। लाइक इट्स 10 और मैंने चाय पी नहीं है, तो मैं चल के चाय पीती हूँ और उसके बाद रेडी होते हैं और फिर हम निकलते हैं। और चाय मैंने पी ली है और अब मैं सैबंग को करवा रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करा के फटाफट मुझे भागना है रेडी होने के लिए। सो नाउ आई हैव टेकन बाथ और अब मैं होने लगी हूँ रेडी। और सबसे पहले सनस्क्रीन। आई थिंक सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप रिजीम। बस रेडी होते होते मैं सोच रही थी, एक्चुअली मेरे मन में चल रहा था कि जाना कहाँ है, बट मेरी जो फ्रेंड है ईशा, वो रिकमेंड कर रही थी दिस दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड आजा इन सेक्टर 9। सो अपेरेंटली कहते हैं दैट इट्स वेरी हेल्दी एंड दे हैव ऑल दी हेल्दी ऑप्शंस। तो मुझे लगा कि ठीक है, हम आजा जाके इस बारी ट्राई करते हैं खाना। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का विद फूड। आई लाइक टू प्ले इट वेरी सेफ। मेरी कुछ फिक्स्ड जगहें हैं चंडीगढ़ में जो मुझे अच्छी लगती हैं। आपको क्या क्या अच्छा लगता है चंडीगढ़ में, आपकी कौन सी फेवरेट फूड स्पॉट्स हैं, लेट मी नो। और ये मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, मेरा बैग, स्लिंग बैग एंड माय हील्स एंड माय ड्रेस, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गो। और ईशा आ चुकी है मुझे लेने एंड मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को ईशा से। ये मैंने इसका शीशा नीचे कराया और मैंने बोला हेलो ईशा। सो ये हम पहुंच गए आजा। इट्स अ नाइस प्लेस। काफ़ी रश था एक्चुअली, मुझे लगता है सिर्फ हमारा ही काउच खाली था। एंड देन वी ऑर्डर्ड फूड बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वी वर सुपर सुपर हंग्री। ईशा हमने ज़्यादा खाना नहीं ऑर्डर कर लिया बहुत ज़्यादा, पर ये मेरा नहीं दे रहा है। गाइज ये मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है एंड आई लव हर। Let us enjoy now. पाँच बजे चले जाना। कपड़े प्रेस कर दिए थे। ठीक है ठीक है। कोई मैडम संडे लंच कर रही है, मेड को बोल रही कपड़े प्रेस कर दिए, खाना बना दिया है। वो यहाँ पे सहेली के साथ मजे मार रही हैं। ये संडे बना रही है संडे। संडे देखो हम बहुत मेहनती बच्चे हैं, हम हफ्ते में एक दिन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, वो है संडे। मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को भी संडे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सो गाइज हमारा संडे था फैंटास्टिक। ईशा जी क्या बोलना चाहेंगी आप? बहुत हैपनिंग था। बहुत हैपनिंग था। क्या क्या किया? इतना हैपनिंग था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने बहुत खाया है, हमने बहुत बातें की हैं, बहुत ज्यादा बातें करी हैं, बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं, इतनी कर ली हैं कि आंसू भी आ गए। मतलब आंसू भी इमोशंस, इमोशंस हाई हो गए। मतलब हमारे जो इमोशंस थे वो काफी ज्यादा हाई हो गए। मेरा काजल भी खराब हो गया बट हम फिर भी खूबसूरती, हाँ हम खूबसूरती अपनी मेंटेन। अब ईशा जी जा रहे हैं डोनट से मिलने बिकॉज ये जिद्दें कर रहे हैं कि इनको डोनट के साथ टाइम स्पेंड करना है। मुझे बहुत टाइम से मौका नहीं मिला। हाँ बहुत टाइम से मौका नहीं और मिला, आज मैं डोनट के साथ चैट करूंगी। अभी ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम फोटोज जो है अपनी वो ये अपलोड कर रहे हैं। सो नाइस, यस वी बोथ लुक सो नाइस। सो लेट्स गो होम, लेट्स मीट सेवन सिंह। देखते हैं क्या कर रहा है सेवन सिंह। आज संडे है, नो लेसन्स प्लीज। गाइस अगर आप देखेंगे ये क्या देख रहे हैं, ये शाहरुख और काजोल को देख रहे हैं दोनों।
ये था मेरा संडे जहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत रिलैक्स किया. इट वॉज़ अ वंडरफुल वंडरफुल डे. बहुत अच्छा खाना खाया और अब बस सेबन को डिनर कराने के बाद मेरा दिन होता है ख़त्म. मैंने अपने लिए चाय बनाई अब ख़त्म होने से पहले, बिकॉज आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग डे चाय तो बनती है. तो मैंने अपने लिए चाय बनाई. आई होप यू गाइज़ लाइक माई व्लॉग एंड आई सी यू गाइज़ नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. और ये मेरी चाय बनाने का शॉट है. बाय.